वेलकम टू माय चैनल आई लव नेचर गार्डन। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आर्या, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए ये प्लांट देखने में तो खूबसूरत है ही, इसके छोटे छोटे से फ्लावर पर्पल कलर के हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और साथ ही साथ इसकी एक मेडिसिनल वैल्यू भी है जो कि पुराने से पुरानी खांसी में काम आते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं इसे क्रश करके आप जो शहद के साथ अगर सेवन करते हैं इसका, तो ये आपको खांसी में बहुत ज़्यादा आराम देते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जिन्हें बहुत खांसी हो गई है और हम उन्हें कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, तो उस व्या पे हम इसे जो है इसकी जड़ होती है उसकी छोटी सी माला बना के बच्चों के गले में पहनाएंगे तो भी वो खांसी में बहुत ज़्यादा आराम आते हैं। साथ ही साथ इसे उगाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसे नर्सरी से लाकर उगा सकते हैं किसी छोटे से पॉट में ज़मीन पर, और ये शीट से भी लगाए जा सकते हैं। जैसे कि देखेंगे आप, मेरे पास थोड़े शीट तैयार हो रहे हैं, ये फ्लावर जो हैं इनको झड़ने के बाद इसमें गुच्छों में एक शीट्स लग रहे हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं, तो मैं इनको अब दोबारा से लगाना चाहूँगी, इसके एक से बहुत सारे प्लांट बनाऊँगी। ये देखिए टच करते ही ये किस तरह से सिकुड़ने लग जाती है इसकी पत्तियाँ, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और ये सभी का फेवरेट प्लांट होता है, ख़ासतौर पर बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसे अपने घर के गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, मैं आप सभी को यही सलाह दूंगी। और हाँ, ये देखिए ये मेरी चीकू है, मेरी किट्टू जिसे आप जानते होंगे शीरो एंड किटी बेबी चैनल पर, तो वो भी इसका भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कल इसने इसे गिराया है रात में, तो ये थोड़ा सा टूट गया है, इसे रिपोर्ट करूँगी मगर एक दो दिन में, क्योंकि आज ये थोड़ा सा शौक में है प्लांट, इसलिए मैं इसे कल रिपोर्ट करूँगी। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसके फ्लावर भी इतने प्यारे लगते हैं, आप देखेंगे तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये प्लांट। ऐसे लगता है कि जैसे ये कांटे इसके पत्तों की जो है सुरक्षा कर रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे कांटे जो हाथ में थोड़े थोड़े चुभ भी जाते हैं कई बार, और हम इसे टच करेंगे तो ये देखिए इसके पत्ते खुद ब खुद शर्मा कर बंद हो जाते हैं। इसकी पत्तियाँ जो है झुकने लग जाती हैं और ये बंद हो जाती है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है, तो मैंने सोचा चलो आज इस प्लांट के ऊपर हम बात करते हैं। काफ़ी लोगों ने इस प्लांट को देखा भी होगा और घरों में लगाया भी होगा। मैंने फर्स्ट टाइम ये प्लांट जब देखा था जब मैं बहुत छोटी थी, मैं बाघा बॉर्डर गई थी घूमने के लिए, तो वहीं पर इसकी बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी जो कि बहुत खूबसूरत लगी। तब से मैंने दो तीन बार ख़रीदा है, बट हमारे घर में जैसे कि आप जानते ही हैं शीरो एंड किटी बेबी, शीरो किटी बेबी हमेशा अक्सर लड़ते रहते हैं और इन्हें थोड़ी सी चोट पहुँचाते हैं। देखिए मेरी चीकू का फेवरेट प्लांट है ये बार बार से जाके टच करती है, और टच करने के बाद जब इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बार बार टच कर करके जाती है इसे। तो मैंने इसे ऊपर दीवार पर रखा हुआ है ताकि इसे कोई छेड़े ना, ज़्यादा छेड़ने से ये शॉक में आ जाता है। और इसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। इसे मैंने लगाया था दो तीन महीने पहले ही लगाया है, इसे ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है, बट मॉनसून सीज़न में ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ की है इसने। मैं पहले भी लेकर आई थी बट इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, मैंने बहुत छोटे से पॉट में इसे लगाया, मुझे लगा था कि देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी तो ये बहुत जल्दी ही ख़राब हो गया था क्योंकि ये पॉट नीचे गिर गया था, मैंने एक छोटी सी दीवार के ऊपर रखा है, अक्सर वहाँ से मेरे पॉट गिर जाते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है। हमारा अभी घर पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है, हमने अपना घर तुड़वा कर दोबारा इसे बनवाया है, तो जिस वजह से ये लॉकडाउन की वजह से हमारा घर थोड़ा सा रह गया था। और ये देखिए आप, सभी प्लांट्स मेरे इसी तरह से थोड़े रखे हुए हैं क्योंकि अभी यहाँ थोड़ी स्पेस की कमी है। अब ये हमारा घर तैयार हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे। ये देखिए ये एक मुझे प्लांट मिला था बाहर से, तो मैं इसे बोनसाई में तब्दील कर रही हूँ। और ये देखिए छोटी छोटी मिर्ची, ये गोल सी मिर्च है, तो आप सब भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कीजिए, इसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सभी, एक यूनिक सा प्लांट हो जाता है सबके लिए,
क्योंकि ये कांटेदार है। कई लोगों का मानना होता है कि कांटे वाले पौधे जो है घर में अक्सर नहीं लगाने चाहिए, बट मुझे जो प्लांट अच्छा लगता है मैं हमेशा लगाती हूँ। इसमें प्लांट्स का कोई कसूर नहीं होता, कोई भी प्लांट्स बुरा नहीं होता, सभी प्लांट्स अपने लिए अच्छे होते हैं। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि इसमें थोड़े कांटे होते हैं, ये चुभ जाते हैं, बट लोग इसे अलग ही तरीके से लेते हैं कि कांटेदार पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए, ये अपशगुन होता है। मेरे लिए तो कोई भी अपशगुन नहीं होता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कांटे वाले प्लांट हैं। अभी जो हमने घर का काम कराया तो उसमें हमारे जो प्लांट्स हैं मुझे कहीं शिफ्ट करने पड़े हैं। अब मैं कुछ नए प्लांट्स लेकर आई हूँ, देखिए कितने खूबसूरत हैं इसके लीव्स। हमारे घर में जब भी कोई आता है तो इस प्लांट को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि कई लोगों ने ये फर्स्ट टाइम देखा होता है। ये देखिए इसके फ्लावर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जो आपके घर के शोभा को और बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और ये गुच्छों में देखिए इसके शीट्स कितने सारे तैयार हो रहे हैं मेरे पास। ये गुच्छों में जिस तरह से फ्लावर आए हैं उस तरह से ये गुच्छों में इसके शीट्स हैं। ये देखिए छोटे छोटे गुच्छों में बने हुए इसके शीट्स हैं। एक साथ इसमें कम से कम 10-12 शीट्स आए हैं। जिस तरह से कि गुच्छों में फ्लावर्स होते हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर का फ्लावर है और मैंने इस प्लांट को छुआ हुआ है तो ये देखिए पूरे पत्ते इसने अपने बंद कर लिए हैं, सिकोड़ लिए हैं। और ये देखिए मेरी प्यारी सी चीकू को, इसे बहुत ज़्यादा ये प्लांट पसंद है, बार बार आके इसे टच करती है क्योंकि इसके लीव्स बंद हो जाते हैं। देखिए चीकू क्या कर रही हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये प्लांट मेरा अच्छा लगा हो तो आप भी इसे अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, देखने में तो खूबसूरत है ही, इसके फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। जो कि हमारे पास छोटा सा प्लांट था उसी में इतने सारे फ्लावर्स हैं। अगर ये बड़ी जगह पर लगाया जाए, ज़मीन पर लगाया जाए तो ये काफ़ी सारे और फ्लावर्स देगा। अब मैं देखूँगी, कोशिश करूँगी कि इसके शीट्स में थोड़े से लोगों से शेयर करूँ ताकि लोग भी इस सभी मेरे आसपास के लोग इस प्लांट को लगाएं। और इसकी जो सॉइल है वो बहुत ही इजीली ये लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट है। ये कल ही नीचे गिर गया था और गिरने की वजह से इसकी जो रूट्स हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी और पॉट भी हल्का सा टूट गया था, उसके बावजूद ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं अपने प्लांट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी प्लांट्स को कोई नुकसान हो। तो चलिए, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की बारिश के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे वीडियो देखने का और उसे लाइक करने का, थैंक यू सो मच। ये देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई है, चलिए चलते हैं हम भी नीचे, थैंक यू सो मच।